किसी जमाने में मेरी मौज में आसमान का रंग दिखता था, पर आज ये सिर्फ लाल है। इस जमीन को मैं दो हिस्सों में बांटती हूं, पर इस जमीन का नशा दोनों हिस्सों में एक जोर पर है। इस तरफ त्यागियों का राज है। जब कहीं दुनिया में अमीरों का जूता चलता है, इन जैसे कोई गरीब का चमड़ा जलता है। सालों तक अमीरों की गुलामी की भोकालियों ने इनकी मेहनत पर सिक्का कमाया, पर इन्हें ही भूखा रख तड़पाया। पर वफादारी और जुल्म की लड़ाई में वफादारी आखिर जवाब दे ही जाती है। जब और ना सहा गया तो त्यागियों ने थूक दी गुलामी, उठाया बीड़ा मेरे घाट पे और उस शिकारी का शिकार कर डाला। धंतारा इनका था। नदी के इस पार के राजा हैं वेलवेट। ये दुनिया भौकालियों से बहुत अलग है, पर इसकी कहानी एकदम एक जैसी है। इनका सरदार बोरिस अपने देश में अमीरों के जूतों के नीचे पला, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ जूते की काट ज्यादा लगने लगी। अमीरों की लड़ाई में गला गरीब का ही कटता है, इसलिए एक दिन जब बात गले तक आ गई तो वो अपनी जान बचाकर अपना देश छोड़कर यहां भाग आया, धंतरा में। एक ऐसी दुनिया जिसका नाम और शान उसने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। यहां कदम रख उसने दो कस्में खाई। एक, वो अपनी शान को अपना जहान बनाएगा, जो वो वहां ना कर पाया। दूजा, आज के बाद वो कभी गरीबी का बोझ ना उठाएगा। आधा धंतरा इसका और आधा इसका, पर पूरा धंतरा इसे भी प्यारा है और इसे भी, और इसके लिए ये हर कीमत चुकाने को तैयार है। देखना ये है किसका पलड़ा भारी है। मेरा आखिरी हेल्प पैक, आई नीड योर हेल्प नाउ। निर्वाणा आ रहा है, निकल वहां से। चलो निकलते इधर से। निर्वाणा नहीं, निर्वाणा नहीं, नहीं, नहीं। फिर फंस गया, रुक, आ रही हूं। तू चला, इन दोनों को मैं संभालती हूं। कुछ बढ़िया लूट मिली क्या उधर? नहीं, बॉट्स थे शायद। चल चल, हम लोगों ने बॉट्स के लिए इतनी मेहनत करी। चल, देख रहे।
Name, Vangir. Age, 19. Birthplace, Mumbai. Mumbai Gali. 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 Mumbai. Yahan gali mein sab Mumbai. Tum bhai leke agli chale room bhai. Sadakon pe chale sab bale junoon bhai. Room bhai nikle bike cross kar bagoon bhai. अपने में रहते सब नहीं कोई वास्ता नाश्ते में वड़ा पाव पोहा यहाँ पास्ता चौड़े में बाकी मुंबई गली मुंबई मुंबई गली मुंबई मुंबई गली मुंबई मुंबई गली मुंबई The burden of an ancient pact lies on our shoulders. A burden no father desires to pass on. Dhru, my son, we are the guardians of a gate. A gate that bridges this reality to its undoing. We are the last bastion, the ones who contain these nightmares and make sure the fireflies keep glowing. The fireflies grow brighter when there is darkness. A darkness which is not present in you.